ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था कि एक फल के गिरने से ग्रेविटेशन का पुल हो गया। ये कोड़ी बकवास। नफरत करने का दो रीजन था। हेलो एंड वेलकम टू द कॉन्सेप्ट एंड अगेन वेलकम टू मेमोरीज। इस सीरीज में हम लोग बात करते हैं बेहतरीन इंजीनियर के बारे में जिनके जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बेहतरीन मैथमेटिशियन के बारे में, फिजिसिस्ट के बारे में, एस्ट्रोनॉमर के बारे में, एल्केमिस्ट के बारे में, थियोलॉजियन के बारे में और ऑथर के बारे में। आपके हाथ की उंगलियां कम पड़ जाएंगी इनकी प्रोफेसर को काउंट करवाते करवाते। नाम है द लेजेंड आइजक न्यूटन। तो ये मेमो सीरीज का फर्स्ट सेगमेंट है। इसमें हम लोग बात करते हैं जो साइंटिस्ट हैं, जो इंजीनियर हैं, उनके प्राइमरी जीवन के बारे में, यानी कि इयरली लाइफ, प्रारंभिक जीवन। सर आइजक न्यूटन का जन्म क्रिसमस डे के दिन यानी कि 25 दिसंबर 1642 ईस्वी को हुआ था। ये मैं बात कर रहा हूँ पुरानी कैलेंडर के अनुसार, ज्यूइश कैलेंडर के अनुसार 25 दिसंबर के रात्रि 1 या 2 बजे के बीच में हुआ था, ब्लिस्ट्रोपे मिनोर में। इनके पिताजी का भी नाम आइजक न्यूटन था, जो कि इनके जन्म से 3 महीना पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि सर आइजक न्यूटन के जो फादर थे उनके जन्म से 3 महीना पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। जब न्यूटन 3 वर्ष के थे तो इनकी माता जी जो है वो दोबारा शादी करते हैं किसी और से, और ये जो न्यूटन है इनको अपने ननियाल में छोड़ देते हैं यानी कि अपनी माता जी के पास। हमारा नायक 19 साल के जीवन में महज 2 लोगों से नफरत करते थे, उनकी एक माता जी और उनका जो सेकेंड फादर था उनसे। नफरत करने का 2 रीजन था। पहला, उनकी माता जो थी वो रिमैरिज करके जो न्यूटन थे उनको अपने पास ना रख के उनके ननियाल में रख दिया गया था, और इनको जो है माता और पिता किसी का प्यार बचपन में नहीं मिला था, तो इस कारण से वो अपनी माँ से नफरत करते थे और उनके पिता से। सेकेंड रीजन भी आपको अभी पता चल जाएगा। न्यूटन के अलावा न्यूटन की मम्मी के पास 3 और संतान थे जो कि सेकेंड फादर से हुआ था। 12 से 17 वर्ष की उम्र तक किंग स्कूल ग्रेंथम में अपनी पढ़ाई पूरी की। वहां पे उन्होंने लैटिन की पढ़ाई की, ग्रीक की पढ़ाई की, और जो मैथ का जो फाउंडेशन था, मैथ का जो फाउंडेशन इंप्रूवमेशन था वो वहीं पे उनका डेवलपमेंट हुआ। स्कूलिंग करियर की मैं बात करूँ तो 12 से 17 साल की आयु में ही वो अपना मैथ का जितना भी फाउंडेशन था उसको वो पूरा कर लिए थे। यही स्कूलिंग जीवन से जो पढ़े हुए थे वही मैथ जो है उनको काम आता है जब वो कैलकुलस एक बड़े शाखाओं को जो लिख रहे थे उस टाइम। अक्टूबर 1659 को उनकी जो है स्कूलिंग करियर समाप्त हो गई और वो 17 साल की उम्र के थे और वो अपने घर आ गए थे। घर पे उनकी माता जी थी और पिताजी जो थे, जो सेकेंड फादर थे, उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। तो ये अपने गांव आए, गांव में अपने माता जी से बात किए होंगे कि पढ़ाई पूरी हो गई है, तो माता जी ने बोले कि आपने पढ़ाई पूरी कर ली है, चलो खेती बाड़ी किया जाए। यानी कि ये 17 साल की उम्र के थे और इनकी माता जी ने बोला कि अब पढ़ाई आपकी हो चुकी है, आप कृषि बन जाओ, फार्मर बन जाओ। लेकिन इनका यही कहना, मतलब कि उनकी माता जी ने न्यूटन को कहा कि कृषि बनो, यही इसी कारण वो दूसरा नफरत जो हमने बोला था ना इससे पहले कि वो 2 कारण से नफरत करते थे, सेकेंड कारण यही है कि उनकी माता जी चाहती थी कि मेरा बेटा जो है किसान बन जाए, और इनको फिजिक्स मैथ से इतना प्यार था कि वो किसान नहीं बनना चाहते थे, वो एज अ साइंटिस्ट करियर अपना चूज करना चाहते थे। तो इसी बातों से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ अपनी माता में और इनमें, और वो जो है घर छोड़ दिए थे और चले आए 2 साल बाद 1661 में ये चले आए कैम्ब्रिज। ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में, और यहाँ से जो आइजक न्यूटन की जो जर्नी है, जिस चीज़ के लिए हम लोग आइजक न्यूटन को जानते हैं, किसके लिए जानते हैं, ग्रेविटेशन के लिए जानते हैं, कैलकुलस के लिए जानते हैं, ऑप्टिक्स के लिए जानते हैं, तो ऐसी ऐसी ब्रांचेस जो है उन्होंने बनाई है वो इन्हीं दौरान, यानी कि 17 साल से 25 साल के बीच में उन्होंने जो भी चीज़ करना था इसी बीच उन्होंने कर दिखाया ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज में। मैं बता दूं कि 1664 में इनको स्कॉलरशिप भी दिया गया था फॉर एमए के लिए, और वहाँ पे जो है कैम्ब्रिज में हमने बात किया, वहाँ पे एमए ये अपना कंप्लीट किए। ये 4 साल के दौरान जो है सिर्फ फिजिक्स को ही नहीं पढ़े या सिर्फ मैथ को ही नहीं पढ़े, ये फिलॉसफी भी पढ़ते थे, जो कि हमने बोला है कि ये फिलॉसफर भी थे बहुत अच्छे, ये एस्ट्रोनॉमर भी थे। तो क्या हुआ कि जब 4 साल की जो ये गैपिंग इनको मिली कैम्ब्रिज में अपने को खुद को इम्प्रूव करने का,
तो ये तरह तरह के अलग अलग अपने एक्सपेरिमेंट करते थे, थ्योरी अपना कल्पनाएं करते थे, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों को पढ़ा है इन्होंने। हम लोग जानते हैं ना कि एप्पल गिरने से ग्रेविटी की खोज हो गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बता दूं कि ये चार साल में जो है, इस चार साल के दौरान जो है, ये कई फिलोसोफर को पढ़े हैं, मॉडर्न फिलोसोफर को पढ़ा है, जैसे कि गैलीलियो हो गया और एरिस्टॉटल हो गए, इन सबको बहुत ही बारीकी से पढ़ा है। और ग्रेविटी की हमने बात की, तो ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशन फोर्स, वो गैलीलियो इस पे पहले से काम कर रहे थे, और इन्होंने गैलीलियो को पढ़ा और गैलीलियो की जो गलती है उनको इम्प्रूव करने का कोशिश किया, और हम लोग के सामने लाए ग्रेविटेशन, जो कि हम लोग जानते हैं कि एक एप्पल के गिरने से ग्रेविटेशन की खोज हुई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था कि एक फल के गिरने से ग्रेविटेशन का खोज हो गया, ये कोई बकवास है। इन्होंने डिस्कार्ट्स को पढ़ा था, थॉमस एस्ट्रीन को पढ़ा था, गैलीलियो को पढ़ा था, और एरिस्टॉटल को पढ़ा था। ये कई लोग थे जिनको ये चार साल की उम्र में, चार साल के गैपिंग में ये पढ़ाई की थी इन सब की पढ़ाई का मतलब है कि इनके द्वारा जो थीसिस लिखे हुए थे, रिसर्च पेपर लिखे हुए थे, उनका अध्ययन करना, ये नहीं कि उनके बारे में अध्ययन करना। तो इतना आप समझ सकते हो। न्यूटन जो है वो केपलर के वर्क को भी बहुत ही गौर से देखे थे। 1667 ये वो मंथ है जहाँ पे इनकी एमए जो है कैम्ब्रिज के अंदर कंप्लीट हो गई थी। अब क्या हुआ कि न्यूटन जो है वो घर गए हैं, मतलब अपने गांव गए, और फिर 6 महीना के बाद फिर कैम्ब्रिज में रिव बैक करते हैं, और फिर वहीं पे काम, ग्रेविटेशन पे काम, कैलकुलस पे काम। और जो ये 25 साल की उम्र है, अभी 22 साल उम्र है उनकी, मतलब इस दौरान 22 साल उम्र है, और 22 साल की उम्र में उन्होंने जो काम किया है, मैं क्या बोलूँ। जब वो 1667 में आए थे यहाँ पे कैम्ब्रिज में, तो उनको फिलोशिप दिया गया था, वो ट्रिनिटी कॉलेज जो है तो वहाँ पे उनको फेलोशिप दिया गया था। माफ़ करना, इनकी जो एमए कंप्लीट हुई है वो 1669 में हुई है, ना कि 1667 में हुई है। 1667 में जो है वो रीबैक किए थे यहाँ पे कैम्ब्रिज में, और 1667 से 1669 तक वो एमए अपना कंप्लीट किए थे। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमको बोलने में। इनके लिए 1672 एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईयर रही है, क्योंकि इस ईयर के दौरान इनको रॉयल सोसाइटी का मेम्बर बनाया गया था। तो ये प्रारंभिक जर्नी थी सर आइजक न्यूटन की। मुझे उम्मीद है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और इसका नेक्स्ट सेगमेंट जो आने वाला है, एक सप्ताह बाद आने वाला है, और इसी डे के दिन आने वाला है, और उसमें हम लोग बात करेंगे कि ये मिड टाइम में, यानी कि ये पहला टाइम था, और मिड टाइम होगा उसके बाद फिर लास्ट टाइम होगा। तो मिड टाइम में, यानी कि सेकेंड सेगमेंट में, हम लोग बात करेंगे कि वो जो कैलकुलस उन्होंने लिखा, या ऑप्टिक्स लिखा, या बहुत सारे बुक लिखे थे, ऑप्टिक्स करके है, मैथमेटिक्स या प्रिंसपिया है, बहुत सारे बुक लिखे थे, तो वो कैसे लिखे थे, किस दौरान लिखे थे, किस टाइम पे लिखे थे, कैसे लिखे थे, सारा चीज़ को हम लोग खुलासा करने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि आपको जब भी मैं वीडियोज़ डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि वीडियोज़ आ चुकी हैं, आपको देखना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही।